नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। भारतीय सेना पाकिस्तान को भारत में मिलाने के लिए सक्षम है, पीओके को कभी भी भारत में मिला सकती है। ये बात भारतीय सेना के एक ऑफिसर ने बोला है। उन्होंने बोला है कि मैं भारत सरकार के ऑर्डर का इंतजार कर रहा हूँ। और इससे कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने भी यही बयान दिया था कि भारतीय सेना पीओके को भारत में मिलाने के लिए सक्षम है, बहुत जल्दी मिला लेंगे। The defense minister rightly spoke about that just short while back that the POJK, it's a matter of time that they will be taken back. What are the preparations so far as the army is concerned? The second part is about the security scenario in Kashmir Valley. As far as the Indian army is concerned, Indian army will carry out any order which has been given by the government of India. And whenever such orders are given, we'll always be ready for it. And what about the security scenario? पिछले 8 सालों से मैं सुन रहा हूँ, हर चुनाव से पहले यही होता है, कोई एक ऑफिसर आकर इस तरह का बयान देके फिर चुप हो जाता है और गायब हो जाता है। चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के लिए मैं कहूँगा, इस तरह की बातें कब होती है? जनता को गुमराह करने के लिए। भारतीय सेना पे हम सवाल नहीं उठा रहे, भारतीय सेना सक्षम है, लेकिन उसको फ्री हैंड दीजिएगा तब। और फ्री हैंड देने से नहीं होगा, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, आपको डॉलर होने चाहिए आर्म्स खरीदने के लिए। देश बेच रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? जल्दी करो, जल्दी जल्दी ढूंढो क्या क्या बेचना है, संपत्ति की पहचान करो कि किसे किसे बेच कर कितना पैसा निकालना है। लड़ाई करने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है। क्या आप रशिया से ज्यादा मजबूत हैं, रूस से ज्यादा शक्तिशाली है? आज 1 साल होने जा रहा है, कुछ दिनों में 1 साल हो जाएगा। यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया, नाक में दम कर दिया यूक्रेन ने, क्योंकि उसको समर्थन मिला हुआ है अमेरिका का, दूसरे देशों का। पाकिस्तान के मामले में भी ऐसा ही होगा। अगर आप पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो पाकिस्तान के साथ देने वाले भी बैठे हुए हैं। चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो पाकिस्तान को साथ देगा। भारतीय सेना अगर सक्षम है तो प्रधानमंत्री को चाहिए था कि भाई करो, करता क्यों नहीं है? करो, मैं ऑर्डर देता हूं, अभी क्या भी मिला लो पाकिस्तान को, अपने कब्जे में करो। पाकिस्तान को भी मिला लो, अफगानिस्तान को भी मिला लो, सबको मिला लो, बर्मा को भी मिला लो, किसने रोका है? लेकिन नहीं, ये एक सोसोबाजी चलती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 14 फरवरी 2019 पुलवामा कांड, जिसमें 40 सैनिक शहीद हुए थे, 70 से ज्यादा घायल हुए थे, और इलेक्शन से जस्ट पहले 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया आज तक पता नहीं चला। जम्मू कश्मीर में सेना का शासन और वहां हमारे सैनिक शहीद हो गए। सो 14 फरवरी के बाद 27 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद, 26 को हुआ था बालाकोट स्ट्राइक, जो देखा कि हमारी सेना जाके वहां बालाकोट में क्या किए नहीं किए, क्या वीडियो आया नहीं आया, आप सबको पता है। लेकिन 27 फरवरी को क्या हुआ, पाकिस्तान ने उधर से हमला किया और हमारे 2 जहाज मार गिराए और हमारे पायलट को भी पकड़ लिया था, कैप्टन अभिनंदन को, 27 फरवरी 2019 को। और उस दिन तो लग रहा था दिन में सारे मीडिया चैनल की अब तो पाकिस्तान गया, आज तो पाकिस्तान हमारे कब्जे में आ जाएगा, हम इस तरह से लड़ाई होगी, सब कुछ होगी। और अचानक खबर आया कि हमारे एक पायलट को पकड़ लिया, युद्ध बंद हो गया। तो उस दिन सेना को किसने रोका था? उस दिन सेना को किसने कहा कि तुम आक्रमण मत करो, आगे मत बढ़ो? उस दिन भी बीजेपी की सरकार 27 फरवरी 2019, क्या एक पायलट के पकड़े जाने के बाद युद्ध रुक जाता है? अगर युद्ध था उस दिन मिला लेना था, नहीं मिलाया। उसके बाद क्या हुआ, 16 जून 2020 को गलवान में चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था, बिहार रेजिमेंट के बटालियन के जवानों को। और कब की घटना है, जून 16 2020। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन था बिहार का, बिहार इलेक्शन से पहले 20 जवान गलवान में बिहार रेजिमेंट के, उसमें ज्यादातर सैनिक थे, शहीद कर दिया गया इलेक्शन से पहले। 14 नवंबर 2021 मणिपुर में, आप देखे होंगे कि नवंबर के महीने में क्या हो रहा था मणिपुर में। मणिपुर में और असम के बीच में लड़ाई चल रहा था, राज्य के बीच में लड़ाई चल रहा था, और दोनों राज्यों की पुलिस आपस में मारकाट करने पर गोलीबारी चल रहा था, जैसे लग रहा था कि 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, और वहां के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। नतीजा क्या हुआ, बिप्लब त्रिपाठी, उनको मार दिया गया, आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर को, किसके साथ, वाइफ, उनके बच्चे और 3 अदर।
मामला शांत हो गया, उसके बाद कोई मामला वहां नहीं बना। बिप्लब त्रिपाठी जी के खत्म होने के बाद, मारने के बाद वहां अब शांति है, आर्मी के ऑफिसर को मारने के बाद। उससे पहले वहां आतंक मचा हुआ था। तो मैं ये कह रहा हूं कि चल क्या रहा है। आप अगर चाहते हैं कि देश में तरक्की करे, सैनिकों को शहादत न हो, इतने सारे सैनिक मर रहे हैं। जब से मोदी की सरकार आई है, पहले कहते थे कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लिए, जब से मोदी की सरकार आई है, एक डाटा है मेरे पास, 2011 में आर्मी पर्सनल 33 मरे थे और 100 आतंकवादी मारे गए थे। 2012 में 15 आर्मी के पर्सन मरे, 72 आतंकवादी मारे गए। 2013 में 53 आर्मी के पर्सन मरे, 67 आतंकवादी मारे गए। 2014 में 47 ऑफिसर मारे गए, 110 आतंकवादी मारे गए। 2015 में 39 ऑफिसर मारे गए, 108 आतंकवादी मारे गए। 2016 में 82, धीरे धीरे संख्या बढ़ रहा है हमारे आर्मी ऑफिसर की। 2016 में 82 ऑफिसरों की मौत हुई, 150 आतंकवादी मारे गए। 2017 में 80 सैनिकों की मौत हुई, 80 सैनिक, 213 आतंकवादी मारे गए। 2018 में 91 सैनिक, 257 आतंकवादी मारे गए। और 2019 में 80 सैनिक, 157 आतंकवादी मारे गए। 2020 में जून तक, जो आरटीआई का आंकड़ा है, मैं नहीं कर रहा हूं, ये आरटीआई का आंकड़ा है, 32, 2020 की बात कर रहा हूं, जून तक 32 सैनिक मारे गए थे, 124 आतंकवादी। 21-22 का आंकड़ा मेरे पास नहीं, मुझे कहीं से मिला तो मैं बता रहा हूं। तो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, आज भी कश्मीरी पंडितों को वहां मारा जा रहा है। सेना का शासन है, पुलिस का नहीं है, सेना का शासन है, उसी सेना का, जो कह रही है कि हम बहुत कैपेबल हैं, पाकिस्तान को अब मिला लेंगे एक मिनट में, वहां आपको मारा जा रहा है, पीठ पे मारा जा रहा है, सामने से नहीं, पीठ पे आपको बार किया जा रहा है, आपको मारा जा रहा है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाए जो आपके कब्जे में है। और आप कह रहे हैं कि पीओके को कब्जा कर लेंगे, तो वहां कैसे कर लेंगे, वहां तो सारे पाकिस्तानी है, वो तो चाहते भी नहीं है कि भारत में मिले हम। और किसी भी देश पे कब्जा कोई दूसरे देश का आदमी नहीं कर सकता जब तक कि वहां के जो जनता है का समर्थन प्राप्त ना हो। अगर आप चले भी जाएंगे तो जैसे जम्मू में आतंकवादी गतिविधि है, पंजाब में गतिविधि है, वही हाल हो जाएगा फिर। तो बोलने से कुछ नहीं होता है, बोल के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कहीं पर भी किसी भी देश को अपने देश में नहीं मिला पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। तो आपको किसने रोका, जम्मू कश्मीर में शांति क्यों नहीं हुई, आपको खुला हाथ नहीं दिया हुआ है, वहां किसने रोका हुआ है, इसका मतलब कि सरकार ने आपको रोका हुआ है, आर्मी को सरकार ने रोका हुआ है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, यह चुनाव का मुद्दा है, लोगों को गुमराह करना है। सरकार नहीं चाहती है कि पीओके को भारत में मिलाया जाए, सरकार नहीं चाहती है कि लद्दाख में शांति हो, अरुणाचल में शांति हो, कहीं पर भी। चीनी सैनिक हमारे देश में घुस के घर बना लिए, सड़क बना लिए, पुल बना लिए, उस पर मुंह तक नहीं खोले। हमारे प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि कोई घुसा है ना आया है ना गया है, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो। तो मैं कहना चाहता हूं कि बोलना गीदर भाव की चलता रहेगा दोनों ही देश की तरफ से। आज के दिन में ना पाकिस्तान सक्षम है ना भारत सक्षम है युद्ध करने के लिए। दोनों में से अगर कोई भी युद्ध के लिए आगे बढ़ेगा, युद्ध में जाएगा मैदान में, दोनों देश अपना टेरिटरी गंवा देगा, दोनों देश खत्म हो जाएगा, दोनों के पास न्यूक्लियर है, दोनों देश की जनता तबाह हो जाएगी और देश पे चाइना का शासन हो जाएगा, या रसिया का हो जाएगा, या अमेरिका का हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इसी ताक में तो है, भारत को बर्बाद करने पे लगे हुए ताक में है, वो किसी भी दिन आपको खत्म कर देंगे। पुराने जमानों में एक कहानी सुनाया गया था कि दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी। रोटी का टुकड़ा एक मिला था बिल्लियों को और दोनों आपस में बांट नहीं पा रहे थे। बंदर ने कहा कि मैं बांट दूंगा और दोनों तराजू पे रख के तोलते तोलते सारा रोटी खा गया था बंदर और बिल्ली तमाशा देखते रह गई थी। यही हाल भारत और पाकिस्तान का होगा। जनता को गुमराह करके, इमोशनल अत्याचार करके, झूठलाकर, झूठे वादे करके, वोट लेना, शासन करना, कोई काम नहीं करना, देश के जनता को रोटी नहीं देना, रोजगार नहीं देना और उनको भटकाना, यही तो चल रहा है। चल क्या रहा है देश में, क्या ऐसा प्रधानमंत्री होता है? उनको रोजगार देना चाहिए लोगों को,
उनके पास अभी चुनाव है गुजरात में, 27 साल बीजेपी की सरकार रही, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। 27 साल से बीजेपी की सरकार गुजरात में, 8 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में, डबल इंजन की सरकार गुजरात में 8 सालों से। गुजरात के लोगों को कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। गुजरात के लोगों को समझा क्या है आपने? गुजरात के लोग जहां भी नजर उठाकर देखते वो कांग्रेस की बनाई हुई चीजें हैं वहां पे। आपने सिर्फ रिवर फ्रंट बनाया है और कंकड़िया लेक को चमकाया, इसके अलावा किया क्या है आपने? गुजरात के जनता पलायन करने के लिए मजबूर है। लोग अपने माँ बाप को छोड़ के रोजी रोटी के तलाश में दूसरे देशों में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि रोजगार के लिए जा रहा है, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। कौन जाना चाहता है अपने देश को छोड़ के? आप समझने की कोशिश करिए। जनता को कह रहा हूं, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली में केजरीवाल जी बर्बाद कर दिया दिल्ली को, MCD और बीजेपी और केजरीवाल सबने मिलकर दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बादी के कगार पर रख दिया है, कुछ बचा नहीं है और हम सब इमोशनल ब्लैकमेल हो रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। जरा इन बातों पर गौर करना। जय हिंद, जय भारत।